بسم الله الرحمن الرحيم. So today's session is about the essay evaluation. I'm going to show you the screen. So now I would suggest कि आप इसको यहाँ पे पूरी प्रोडक्टिव मार्क को या थीसिस को यहाँ पे लाने के लिए ये आपने आपने किया है इसको ट्राई टू कीप इट रेलेवेंट एंड टू द रन और अगर मैं इसको ग्रामेटिकली भी देखूँ तो इसमें भी आपके लिए आपको आगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता है इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में तीन चीजें थी, टारगेट करना होता है टॉपिक सेंटेंस, सेंट्रल इशू एंड सॉल्यूशन। मुझे बताएं ये तो आपने इधर उधर की बात करके जाया कर दी पर्सनली। प्राइसिंग है ना, पैरेललिज्म भी कहते हैं कि अगर आपने इसको चेक किया तो पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग इसको भी ऐसे करना है। एक्स्ट्रा सुपरनेचुरल ऑब्जेक्टिव को अवॉइड करें और आप दोनों सेम प्रोसेस करें। इस तरह की क्यों छोड़ एग्जाम को नेगेटिव बन गई जो तीन ऐसी चीजों की यहाँ पे ये यूज करो और अगर आपके फैक्ट्स होंगे तो आप स्ट्रिक्ट करो, कुछ करो, ट्राई टू कीप इट जनरल हियर। ठीक है, कॉजेस के क्वेश्चंस होते हैं ये बैच से ऐसे जरूरी नहीं है आपको दैट्स ट्रू। ज्योमेट्रिक चीज आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर आ भी नहीं गए एंड वैसे लगा हुआ
आपने इसकी कॉपी भी शेयर कर दी उसे आपको बता दो। बोलने स्टार्ट कीजिए। राइटिंग कर रहे हैं उसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट व्हाट एवर यू नो अबाउट द ग्राफ। आपको इंट्रोडक्शन के रूल जानने चाहिए, आपको थीसिस स्टेटमेंट के रूल जानने चाहिए, फिर बात करेंगे। आप प्रोपोनेंट कह सकते हैं, प्रोपोनेंट वर्ड क्या आपकी चॉइस सही करें क्या कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जर्व ऑब्जर्व इंक्रीजेस वो एक्सप्रेशन ये बेटा आप सही कह रहे हैं। एक बात को एक ही टर्म को क्यों प्रेजेंट कर सकते हैं।
लैपटॉप के स्टार्ट और एंड ठीक है, लेकिन अंदर बीच में उसके जो है ना स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स नहीं आ रहे हैं। इस तरह की वीडियोस वाली प्रॉपर लैंग्वेज यूज करें कि ऐसे आप इंग्लिश यूज करें, लेकिन आएगा बिल्कुल आएगा। बातों ऐसे भी कोशिश नहीं हो रही है। ये तो कहाँ से आ गए सही पर्सन, इस तरह की एक्सप्रेशन भी सही नहीं बात नहीं। ये अपना पैराग्राफ चलो बोलता है जो आपने कुमार दादी को अच्छी जरूरत है दोनों को सेम पर्पस है। सुपर एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की यूज कर रही हूँ। अच्छा आपने रातों से रोक दे दी। अच्छा कंसीडर ओके बाय।
question about the interview. I use generally and pronoun. بس introduction actually magnificent to the picture acha let me tell you in detail what you need to do ek to aapne 5 to 7 areas pe kaam karna hai सारा एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू सो व्हाट यू नीड टू डू आपने उसको कैटेगोरिकली लाइक मैंने इस वीक में इन एरियाज में काम करना है 1 2 3 4 सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले तो आपने ऐसे की जो रूल्स हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे काम करना है सेकेंडली आपने कॉजेस को देखना है कॉजेस का आपने बिल्कुल ही उसको ऑमिट कर दिया अपार्ट फ्रॉम इट आपने डेफिनेट आर्टिकल्स एंड जो आपने एक्सेस इनफॉर्मल जो उसको टर्मिनोलॉजीज को यूज किया हुआ है उसको अवॉइड करना है एडजेक्टिव्स को अवॉइड करना है जब आप ये चीज़ों को लिखेंगे तो नेचुरली आपका जो है ऐसे वो कुछ उसमें कंप्लीट हो जाएगा यू नहीं आपकी आउटलाइन बेहतर है जस्ट आप कुछ एरियाज पे वैल्यू एड करने की जरूरत है रेस्ट इज फाइन सो कीप वर्किंग आप सैम्पल के तौर पर आपके साथ एक ऐसे का निशान कर That must be up for now. See you tomorrow. Love, peace.